तो T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद अब बारी है न्यूजीलैंड दौरे की, जहां टीम इंडिया पहले 3 T20 और उसके बाद 3 वनडे मैचेस खेलेगी। और मैच से एक दिन पहले वीवीएस लक्ष्मण, जो इस दौरे के लिए टीम इंडिया के कोच चुने गए हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने T20 के बारे में खुलकर जो अपनी राय थी वो सभी को बताई। और उन्होंने ये साफ कहा कि T20 क्रिकेट में अब आपको वही खिलाड़ी दिखेंगे जो इस फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं। यानी कि इससे ये माना जा सकता है कि जैसे कुछ खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, इसमें रोहित हो गए, विराट कोहली हो गए, केएल राहुल हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, ये हर फॉर्मेट में आपको नजर आते हैं। तो अब ये बदलाव होने शुरू होंगे 2024 T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए कि आपको T20 सेटअप में T20 स्पेशलाइज खिलाड़ी ही मिलेंगे। जैसे इंग्लैंड की हम बात करें तो इंग्लैंड में जो कल्चर रहा है कि जब आपके ऑयन मॉर्गन जो कप्तान थे वनडे और T20 के, टेस्ट नहीं खेलते थे, जो रूट इस T20 टीम में जगह नहीं बना पाते, तो शायद अब उसी तरह से इंडियन क्रिकेट भी आगे जाएगी। और इसका एक जो इंडिकेशन मिला वो ये हो सकता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, आपके केएल राहुल, शायद इनको वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में ही खिलाया जाए। और T20 के लिए हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली टीम में नए चेहरे ज़्यादा से ज़्यादा डाले जाए, जिसमें अगर हम बात करें आपको संजू सैमसन देखने को मिलेंगे, ईशान किशन होंगे, शुभमन गिल होंगे, उमरान मलिक होंगे, कुलदीप यादव होंगे, यानी कि वो सब खिलाड़ी जो स्पेशलाइज नहीं है कि मतलब जैसे वो हर फॉर्मेट में खेलने वाला खिलाड़ी अब आपको T20 क्रिकेट में नहीं देखने को मिलेगा। जैसे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया तो उन्होंने साफ कहा कि देखिए T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आपको खुलकर खेलना होता है, आपको बैगेज लेकर आप इस फॉर्मेट में नहीं जा सकते। और हमने देखा कि पिछले 3-4 बड़े टूर्नामेंट्स में जो हमारे बड़े नाम हैं वो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। और शायद अब BCCI ने भी मन बनाया है कि 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए हार्दिक पांड्या को इस शॉर्टर वर्जन में एज अ कैप्टन ग्रूम किया जाएगा, जिससे आपकी T20 की टीम पूरी तरह से अलग हो जाए, वनडे अलग रहे और टेस्ट टीम की अलग रहे। यानी कि रोहित, विराट, राहुल, बुमराह ये हर फॉर्मेट ना खेलें। और वैसा ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि आप देख चुके हैं T20 युवाओं का गेम है और आपने देखा किस तरह से रोहित ने स्ट्रगल किया, KL लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं हर बड़े टूर्नामेंट में। तो अब एक नई शुरुआत न्यूजीलैंड से हो रही है और उम्मीद यही है कि जितने युवा हैं उनको पूरे मौके मिलेंगे T20 क्रिकेट यहां से खेलने के लिए। क्योंकि वनडे क्रिकेट जब आप बांग्लादेश जाएंगे तो फिर आपके सारे सीनियर खिलाड़ी आ जाएंगे, या फिर शुभमन को दोबारा बाहर कर देंगे, संजू ज़्यादा मैचेस नहीं खेलेंगे। तो लेकिन हाँ, T20 फॉर्मेट लुकिंग फॉरवर्ड, अब आपको एक नई इंडियन क्रिकेट टीम नज़र आने वाली।